हाय स्टूडेंट, पिछली बार हमने रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन कंसीडर किया था. ओके और वो जो रिलेशन था हमारा दैट इज एम इक्वल टू के अंडर रूट एल वन एल टू, के अंडर रूट एल वन एल टू. ओके एल वन एल टू यानी सेल्फ इंडक्टेंस है. ओके एल वन यानी फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और ये टू है सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस. और ये जो के है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग और कपलिंग फैक्टर. ये कपलिंग फैक्टर के वैल्यू पे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड्स होती है. अब ये इक्वेशन से और एक इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है डियर स्टूडेंट. ओके अगर ये इक्वेशन में अगर एल वन एल टू अगर जीरो अगर है, L1, L2 अगर जीरो अगर है, L1, L2 अगर जीरो है तो यम म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी जीरो. L1, L2 इट इज इक्वल टू जीरो मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अगर जीरो है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन पर से जीरो होगी. ओके मीन्स विदाउट सेल्फ इंडक्टेंस, विदाउट सेल्फ इंडक्टेंस नो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाउंड, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाउंड और नो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस इन द कॉइल और सर्किट, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस इन द कॉइल और सर्किट मीन्स एल वन इज इक्वल टू जीरो, एल वन एल टू इक्वल टू जीरो, देन यम इक्वल टू जीरो. अब इसका कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स है ना, अगर यम की वैल्यू अगर जीरो है, यम की वैल्यू अगर जीरो है तो एल वन एल टू की वैल्यू जीरो होगी क्या, यम की वैल्यू अगर जीरो है तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल मे बी और मे नॉट बी जीरो, इट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो क्योंकि यम इक्वल टू जीरो अगर करना है, दिस यम इक्वल टू जीरो इज सेटिंग फॉर के इक्वल टू जीरो एंड एल वन एल टू इक्वल टू जीरो. ये यम इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन पर से हम कैसे लाते हैं, के की वैल्यू जीरो रखकर ला सकते हैं, के की वैल्यू जीरो अगर ला तो यम की वैल्यू जीरो होगी और एल वन एल टू अगर जीरो है तो यम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. मीन्स इसका जो कॉन्वर्स है इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू. मीन्स यम इक्वल टू जीरो इट इज आइदर के इक्वल टू जीरो और एल वन एल वन एल टू इक्वल टू जीरो, एल वन एल टू इक्वल टू जीरो. ओके मीन्स आइदर सेटिंग के इक्वल टू जीरो, आइदर सेटिंग के इक्वल टू जीरो मीन्स अगर कपलिंग फैक्टर उन दोनों का कपलिंग फैक्टर अगर जीरो अगर है, के की वैल्यू अगर जीरो अगर करना है तो हमें कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा करना पड़ेगा, इट इज राइट एंगल टू इच अदर. ओके और एल वन एल टू अगर जीरो है तो ऑब्वियसली यम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. मीन्स इसका जो कॉन्वर्स है, इसका कॉन्वर्स इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन था डियर स्टूडेंट. और अब हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किया है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमिनॉन पे जो डिवाइस डिपेंड्स है, वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर. हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहां फिजिक्स के हम सिंपल ऐसे टीचिंग करते हैं यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो. तो हमारा जो आर्टिकल है ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर यानी ये वर्ड्स है, इसका डेफिनेशन हमें, इससे हमें इसका डेफिनेशन पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना, कुछ ना कुछ क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना यानी कुछ ना कुछ क्या करना, कन्वर्ट करना. अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या कन्वर्ट करता है, द ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ओके और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मीन्स वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ओके लो का हाई करेगा और हाई का लो करेगा, यानी ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज कर रहा है ये. ओके और रेक्टिफायर क्या है डियर स्टूडेंट, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट,
रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, और एसी का अगर हमें डीसी में अगर कन्वर्ट अगर करना है तो हम रेक्टिफायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, दो कॉइल है तो ट्रांसफॉर्मर भी, क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉइल्स, दैट इज प्रिंसिपल क्या होगा फिर ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल सो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द अदर कॉइल और नेबरिंग कॉइल, अदर कॉइल और नेबरिंग कॉइल। तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर, और वो सॉफ्ट आयरन कोर पे, टू कॉइल्स विच इज इंसुलेटेड विच इज अदर, वन इज द प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज द सेकेंडरी कॉइल, ओके, अदर इज द सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल। यहां पे लिखते हैं ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। मीन्स प्राइमरी कॉइल इज एक्ट एज अ इनपुट कॉइल, दिस इतना जो पार्ट है इट इज एक्ट एज अ इनपुट एंड इतना जो पार्ट है इट इज एज अ आउटपुट। मीन्स अगर प्राइमरी कॉइल को अगर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर क्या किया, अप्लाइड अगर किया तो ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। दिस अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद द प्राइमरी कॉइल। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इट इज लिंक विद द प्राइमरी कॉइल एंड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो प्राइमरी कॉइल को लिंक हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल एंड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल वी गेट द ईएमएफ, यानी ये होगा इनपुट कॉइल और ये होगा आउटपुट कॉइल, इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट, ये इनपुट पार्ट ये आउटपुट पार्ट। ओके, अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो एनपी जो है एनपी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई तो कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ओके, तो एनपी जो है वो हम नंबर ऑफ टर्न्स, यनो का मीनिंग नो का नो ने है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, इन अ प्राइमरी, एंड एनएफ जो है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, भी कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड एनएस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। वैसे ही फाइ पी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ प्राइमरी, एंड फाइस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक विथ सेकेंडरी, ओके, अब यहां पे जो होगा जो फ्लक्स जो लिंक होगा पर टर्न, वो फ्लक्स हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई। मीन्स दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विथ प्राइमरी कॉइल एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल पर टर्न ऑफ द कॉइल, अगर हमें फाइपी अगर लिखना है, तो वो फिर फाइपी क्या होगा, दैट इज एन पी फाइ, वो क्या होगा फिर एन पी फाइ, और फाइस अगर लिखना है तो वो क्या होगा दैट इज एन एस फाइ, ओके, अब ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब इंड्यूस ईएमएफ कब चेंज होगा, ये तो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अब इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन दैट कॉइल। अगर इसका अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज अगर होता है, मीन्स अगर इसको अगर हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी दैट इज इक्वल टू इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइ पी बाय डी टी ईपी, ईपी मीन्स इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी, देन इट इज इक्वल टू डी फाइ पी बाय डी टी, और फाइ पी की वैल्यू अगर हमने एन पी फाइ अगर डाला तो हमें यहां पर मिलेगा, अगर मैग्नीट्यूड में अगर लिया तो निगेटिव साइन नहीं आएगी। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइ बाय डी टी, माइनस एन पी डी फाइ बाय डी टी, और ई एस अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी फाइ एस बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइ बाय डी टी, माइनस एन एस डी फाइ बाय डी टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ओके, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का अगर रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ई एस अपॉन ई पी, ई एस डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन वी गेट ई एस बाय ई पी, दैट इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, ई पी बाय एस भी कर सकते हैं। ओके, ई एस बाय ई पी दैट इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, और ये जो है ई एस बाय ई पी दैट इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, इट इज कॉल्ड एज द टर्न रेशियो और इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म रेशियो, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, इट इज टर्न रेशियो, इट इज टर्न रेशियो, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो, मीन्स जितना नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा अगर है तो क्या होगा, जो ईएमएफ जो अक्रॉस जो होगा सेकेंडरी कॉइल की वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज ईएमएफ जो है ईएमएफ अक्रॉस दी कॉइल इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल। ओके, तो ये होगा हमारा ई एस ई पी एन एस अपॉन एन पी। ओके, अब इसका जो है वो अगर हमने, अब ये होगा हमारा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म रेशियो निकाला हमने, और ट्रांसफॉर्म रेशियो का इक्वेशन हम यहां पे लिखते थे ई एस बाय ई पी दैट इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न रेशियो हमने निकाला ई एस बाय ई पी दैट इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। अब कौन से भी डिवाइस की इफिशियंसी पे वो डिवाइस का जो रहता है वर्क कैसा करेगा, हमने इनपुट पावर अगर दिया तो वो इनपुट पावर से हमें आउटपुट पावर आउटपुट वर्क मिल रहा है क्या, वो हिसाब से उसकी डिवाइस की क्या रहती है, इफिशियंसी रहती है। तो इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इट इज डिनोटेड बाय ईटा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, पावर का जनरल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, जनरल फॉर्मूला क्या है, पावर का वोल्टेज इनटू करंट। अब यहां का ये जो वोल्टेज है अगर इसको हमने इनपुट पावर अगर कहा तो ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का इनटू करंट अक्रॉस द प्राइमरी, ये होगा इनपुट पावर, और सिमिलरली आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर के यहां पे क्या आएगा,
ES इंटू आई एस आएगा, तो इफिशियंसी दैट इज ईटा इक्वल टू, इफिशियंसी दैट इज ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर क्या आया हमारा ES, ES अपॉन आई एस, ES सॉरी अपॉन ES इंटू आई एस अपॉन ईपी आई पी, ईटा इक्वल टू ES IS अपॉन ईपी आई पी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, अब रियल में प्रैक्टिस में ये जो इफिशियंसी है इट इज लेस देन वन, प्रैक्टिस में जो है जो प्रैक्टिकल जो हम डिवाइस जो यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का इफिशियंसी लेस देन वन, यानी 100% हमें पावर नहीं मिलेगा। 100% अगर पावर अगर मिला यानी जितना इनपुट दिया उतना ही अगर उसने आउटपुट पावर अगर प्रोड्यूस अगर किया, जितना इनपुट पावर दिया उतना ही अगर उसने अगर इनपुट पावर जितना दिया उतना ही अगर उसने आउटपुट पावर अगर प्रोड्यूस अगर किया तो वो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी क्या होगी, दैट इज ईटा इक्वल टू वन, ईटा इक्वल टू वन, ईटा इक्वल टू वन। ये सिर्फ कौन से ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ईटा इक्वल टू वन फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा, दैट इज द इनपुट पावर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर पहले हमने निकाला है दैट इज ईपी आईपी, ईपी आईपी दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर ईएस आईएस, ईपी आईपी दैट इज इक्वल टू ईएस आईएस। और यहां से अगर हमने ईपी, ये ई है ना, ये भी ई है, सिंबल थोड़ा ये होगा, यहाँ पे ऐसा सिंबल लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसा सिंबल लेते हैं, और ये भी सिंबल हम ऐसा लेते हैं, सिंबल का कोई फर्क नहीं गिरता है थोड़ा, ईपी आई पी ई एस आई एस। ओके, अब ईपी आई पी ई एस आई एस अगर यहाँ पे अगर हमने ई एस अपॉन ईपी अगर लिया, ई एस अपॉन ईपी दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, ई एस अपॉन ईपी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। यानी यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन था, टर्न्स रेशियो से क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन था, और यहां पे जो रिलेशन आ रहा है ई एस अपॉन ईपी दैट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ईपी, लेकिन यहां पे जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स भी है। ओके, यानी ई एस अपॉन ईपी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ओके, फिर अगर हमें कंबाइन अगर किए, दोनों भी इक्वेशन अगर हमने कंबाइन अगर किए तो वो हमें क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन अगर हमने कंबाइन अगर किए तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ईपी दैट इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इक्वेशन है डियर स्टूडेंट। ओके, ये कैसा होता है, क्या होता है, ये जो है वो कैसा रहता है, ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी कैसी होती है, कैसे निकालते हैं, वो भी हमने आपको समझाया है। आई तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कॉमन है, तो हमने उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया शुरू किया है। ओके, तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।